मुखर्जी और फिजिक्स सर थी मधुमिता मुखर्जी। आई प्रॉमिस अ बेटर स्कोरिंग इन योर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 केम इन 2019। व्हेन ए ऑफ वर्क डन ऑन ए फ्लाईव्हील इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज फुल स्टॉप। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ब्रैकेट में दे दिया टेक पाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ए ऑप्शन इज 1 केजी मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इज 2 केजी मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इज 1.688 केजी मीटर स्क्वायर एंड डी इज 1.5 केजी मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन ए 12000 जूल ऑफ वर्क डन on a flywheel, its frequency of rotation increases from 10 hertz to 20 hertz. The moment of inertia of the flywheel about its axis of rotation is. First of all, flywheel किसको बोलते हैं? Flywheel, it is basically a wheel. इस wheel का खास बात ऐसा है कि most of the mass, at least the more than 90% of the mass is on the rim, on the wheel. Meaning by, इसका जो moment of inertia होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये जगह खाली होता है एक rod से इधर, शायद you know to keep it at the right position one rod होता है या one rod two rod होता है। Most of the mass is on the rim. ठीक है, ये आप देख चुके हो। एक बार घुमाते हो तो फास्ट घूमते रहते हैं, रुकते नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बहुत ज्यादा होता है। इतना ही जानो, इट इज अ व्हील। ठीक है, आपने कुछ काम किया, घुमाया इसको, कुछ एनर्जी दिया। काम किया मतलब एनर्जी दिया, इतना जूल एनर्जी दिया, इतना जूल काम किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, क्या करेंगे हम? एक इसको ना, इसका कुछ काम किया एंड इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी F1 क्या था? 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट ए हो गया, F2 हो गया 20 हर्ट्ज। काम कितना किया, वर्क कितना किया? 12000 जूल। इतना क्लियर है? आई क्या है वो आपको निकालने के लिए बोला है, फ्लाईव्हील क्या है बोल दिया। कैसे करेंगे? एक थ्योरम लगाएंगे, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या बोलता है? बोलता है वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हो इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, आपको वर्क दे दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे रोटेशनल मोशन में, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या है बताओ? रोटेशनल मोशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। लिनियर में क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। लिनियर, लिनियर फॉर लिनियर मोशन हाफ एम बी स्क्वायर, तो रोटेशनल की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ए रख कर देती हूँ, ए मेरा काम का चीज नहीं है, दिस इज मेरा काम का चीज। आपको
आपको आई निकालना है ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एफ दे दिया, बताओ ओमेगा और एफ में क्या रिलेशन है? ओमेगा इक्वल टू 2πf, करेक्ट किया? पता नहीं, एक बार चेक कर ले। ओमेगा क्या होता है? 2π बाय कैपिटल टी। ओमेगा 2π इज द फुल सर्कल, फुल सर्किट सर्कल घूमेगा तो 2π घूमता है। 2π इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, एक बार घूमने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड इज ओमेगा। टी एंड टी इज 1/f तो 2πf, तो मैंने ठीक लिखा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2πf, एफ का वैल्यू दे दिया तो ओमेगा का वैल्यू मुझे निकालना है। ओमेगा 1 कर लो, 2πf 1 इक्वल टू 2π इंटू 10, 2π इंटू 10 यूनिट कैसे आएगा? रेडियन पर सेकेंड, यही चाहिए था। क्या आ गया? 20π रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली ओमेगा 2 निकालोगे, 2πf 2 करके कितना आएगा? 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो 40π रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? इतना दूर तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी आपको ये वाला काम करना है, वर्क। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अभी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मिल गया, आई निकालना है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इधर लिखो, तो मैं ऐसे लिखू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये क्या दे दिया वर्क 12000, इधर से मेरा आई निकल जाएगा। कर लो फटाफट, कर लो, आई निकलना है तुमको। जो जो कॉमन जाएगा सब कुछ कॉमन ले, 2 2, इसको 2 कर ले। देखो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। 12000 इक्वल टू हाफ ऑफ आई ऑफ ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ आई ऑफ ओमेगा 2 स्क्वायर, क्या होगा? ओमेगा 2 स्क्वायर 40 स्क्वायर पाई स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा 1 के लिए 20 स्क्वायर पाई स्क्वायर। अभी मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं ऊपर थोड़ा रब कर रही हूँ, ए रब कर देती हूँ, ठीक है। ए भी रब करो, ए भी रब कर देती हूँ, वो तो लिख लिया नीचे। तो इसको थोड़ा सा करना है, इधर से आई निकालना है मुझे इसी जगह में। सो 12000 इक्वल टू हाफ ऑफ आई ऑफ पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, पाई स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 10। So 12000 इक्वल टू हाफ ऑफ 10 ऑफ आई ऑफ, इसको क्या करो, 40 प्लस 20 इंटू 40 माइनस 20, ठीक। एक जीरो निकल गया, ए आ गया 2400 इक्वल टू आई इंटू 60 इंटू 20, 0000 निकाल दिया, 12 24, 2 इक्वल टू आई, आई इक्वल टू 2 kg/m² मिला। कोई डाउट? वर्क एनर्जी थ्योरम दोबारा याद दिलाने के लिए यूज करना पड़ा, तुमको पता था वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बस हो गया, इतना ही था। इतना ही तुमको याद है तो 2 सेकेंड का गेम है ये, कुछ कठिन नहीं है। एक चीज इज एफ दे दिया, हर्ज में दे दिया, याद रखना हर्ज नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियन पर सेकेंड। तो हर्ज को ओमेगा में कन्वर्ट करना चाहिए, मत भूलना, दिस इज वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। दूसरा इज वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आसान, इसमें कैलकुलेशन ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, हो जाएगा। जिधर तुम गड़बड़ करोगे, इफ यू डू नॉट हैव प्रैक्टिस एनफ, दैट इज ओमेगा की जगह एफ लिख दोगे, ऐसे
ऐसे मत करो, याद रखो पाई का वैल्यू दे दिया मतलब पाई आ रहा है कहीं ना कहीं पे, एफ का वैल्यू मत रखा करो, ओमेगा लेके आओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट 20 इयर्स क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व लाइक दिस। इफ यू आर बेनिफिटेड डू वॉच।